हेलो भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी रात के बज चुके हैं तकरीबन 8, तो हम अभी रेडी शेडी हो गए हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं जी भाई सोहेब की शादी पे, और मेरे साथ मतलब भाई भी रेडी शेडी होके खड़े हैं यहाँ पे, और मलक साहब अभी रेडी हो रहे हैं। तो हमें कार पे कार आ जा रही है, अभी फिर कार आ गई। चाल है ठीक ठाक है। तो ढोल वाले भी आ गए अभी, तो ढोल बज रहा है अभी। तो ये मलक समोसन साहब है, ये मुजम्मल भाई तैयार होके खड़े हैं अभी। तो जी अब्दुल्ला भी आ गया, तैयार श्यार हो गया। क्या बात अब्दुल्ला की, और भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और छोटे कैसे हो? ये पकड़ो भाई। ठीक ठाक हो? तो अभी यहाँ पे तैयारियां चल रही है शादी की, तो ये क्या पकड़ा हुआ है? ये पॉपअप होता है जो वो वाला है। हाँ, तो इब्राहिम किधर है? सो रहा है अभी? सो रहा है? तो सो रहा है। अच्छा ठीक है, सो रहा है। काम करते हुए थैंक यू अली भाई। ओके 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 ओके। तकरीबन 12:30 हो गए हैं, तो शादी से मैं घर आ गया। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो मैंने अपना जो व्लॉग है वो अपलोडिंग पे लगाया हुआ है, और अभी मैं जो थंबनेल है तो वो एडिट करने वाला हूँ। तो ये मैं थंबनेल एडिट वगैरह करके व्लॉग लगा के तो मैंने सोने चले जाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी 12 बज चुके हैं, तो मैं अभी कॉफी बना के पीने लगा हूँ। तो नाश्ता मैंने किया नहीं है आज, इस बार तो मैंने अपनी कॉफी बनानी थी। तो यहाँ पे मुनीब भाई जो है वो अपनी चाय गर्म कर रहे हैं, तो अभी इनकी चाय गर्म होने देते हैं, उसके बाद मैं कॉफी बनाता हूँ अपनी। आज वैसे गैस काफी ज्यादा आ रही है मेरे ख्याल से, तो काफी ज्यादा आ रही है। इधर तो मैंने चलाया नहीं, गैस काफी ज्यादा आ रही है। तो काफी वगैरह मैंने अपनी पी ली, खत्म कर दी है। तो अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं, तो मैं अपने जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनका व्लॉग्स वगैरह देख रहा हूँ। तो अभी 1 बज चुका है, तो मैं जाने लगा हूँ सब्जी लेने के लिए।
भाई सामने टमाटर नहीं यार, ए किधर पे किलो, किलो कितना? 120। ए मैनू आधा किलो कर दे यार। टमाटर जी हमें मिल चुके, रात को आया था तो ये बास्केट ऐसी मैंने रख दी यहाँ पे, और मेरे कपड़े यहाँ पे वैसे ही लटके हुए हैं, तभी इन्हें तह लगा के तो हैंगर के साथ लटका देते हैं। कपड़े तो मैंने हैंगर के साथ लटका दिए हैं यहाँ पे, तो लाइट चली गई है अभी, तो मैं वीडियोस देख रहा था तो अभी लाइट चली गई। तो ये मैं अपनी पिक्चर देख रहा था, तो ये लड़का बताना है कौन है। लग तो मैं ही रहा हूँ, काफी मोटा सा हूँ, इतना सा मेरा गोल सा मुंह है मेरा, कैसे मैं पीछे बैठा हूँ। तो ये मुझे अभी तक याद है कि ये सीन जब मैंने पिक्चर खिंचवाई थी, तो ये मेरे फेवरेट शूज होते थे व्हाइट कलर के। ये आजकल के बच्चों को ऐसे कपड़े पर नहीं मिलते कि नहीं मिलते, प्यारा सा मुझे लग रहा है ये जो मैंने पहना हुआ है। और एक ये तस्वीर है जो मेरे छोटे होते की तस्वीर है, ये पता नहीं मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ काला सा। मैं छोटे होते से काला हूँ, ऐसे ना कहा करे कि मैं अब काला हूँ, मैं बचपन से काला। तो ये मुनीब है छोटा सा, तो इसके साथ मैं गया था तो अबू भी गए थे और इसकी तस्वीरें वगैरह खिंचाने के लिए। छोटा होता बहुत ज्यादा क्यूट होता था, क्यूट। और ये मुबीन भाई है, अब देख लें। तो ये मुझे नहीं पता कौन है, ये वहीद भाई है और ये है उस्मान भाई, बंदूक वगैरह लेके खड़े हुए हैं। अभी 3 बज चुके हैं, तो मनोरमा भाई यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, तो अभी चेक कर रहे हैं टाइपिंग करते हैं। तो अभी 3:30 हो गए, तो मैं अपने रूम में आया, लोग एडिट करने लगा, तो अभी मैं रूम में अंदर इंटर हुआ हूँ, तो काफी ज्यादा रूम ठंडा है, तो मेरे हाथ जो है वो यक ठंडे हो गए हैं, तो ये कमरा काफी ज्यादा ठंडा हुआ हुआ है। तो अब जो सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो ये इस सर्दियों में ब्लॉग जो मैं रात 12 बजे तक बैठ कर एडिट करता था, तो मुझे लग रहा है कि अब काम मुश्किल हो जाएगा। तो अभी टाइम से ब्लॉग एडिट करके और उससे सारा कुछ अपलोड करके, तो जाके बंदा अपनी जो कंबल वगैरह उसमें लेट जाए, तो यहाँ पे बैठ के काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे आग वगैरह लगा के बैठा करूंगा, तो ताकि ये कपड़ा गर्म हो। अभी मेरे हाथ जो है वो काफी ज्यादा ठंडे हो गए हैं। अभी 7:45 हो गए हैं, तो मैं जाने लगा हूँ बाइक राइड पे। तो काफी दिन तो नहीं खैर 2 दिन से बाइक ऐसे खड़ी थी, तो सर्दी है तो बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो इसकी वजह से मैंने निकाली अभी बाइक। तो अभी मैं जाने लगा बाइक राइड पे, तो अभी सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, तो मैं बड़े आराम आराम से बाइक राइड कर रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो चला रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। तो अभी मैं गोजरा रोड पे पहुंच चुका हूँ, तो स्लो स्लो राइड कर रहा हूँ। तो जी मैं राइड करके वापस आ गया हूँ, तो काफी ज्यादा सर्दी थी, तो मेरा जिस्म जो है वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। तो राइड करके अभी मैं वापस आते ही मैंने अपनी कैप है जो गर्म वो निकाली है, तो वो भी पहन ली, कि बीमार होने से अच्छा है कि कैप वगैरह पहन के रखे। तो काफी ज्यादा सर्दी, तो मजा भी काफी ज्यादा आया राइड का। तो जो मैं मोटो व्लॉगिंग का हेलमेट है तो सेटअप वो साल लेके नहीं गया था, इसकी वजह से आपको पूरा मोटो व्लॉग तो नहीं मैंने बनाया, ज्यादा बोरिंग हो जाता इसलिए मैं बनाया नहीं। तो ये वीडियो ये तक रखते हैं, काफी ज्यादा लंबी होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।